यही वो जगह थी जहाँ पे हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई थी। ये अभी ये भाई बता रहे हैं कि चंगेज़ खान जब किले की तामीर करवा रहा था तो जो मज़दूर थक जाते थे तो उनको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था इस किले के अंदर। ये हज़रत शीस अलैह सलाम की कब्र है जो हज़रत आदम अलैह सलाम के बेटे थे। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, तमाम सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। रोज़े पाक हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी ज़ात पे, आपकी आल पे और आपके असहाब पे। आज मज़ार शरीफ से अभी हम बल्ख शहर की तरफ जा रहे हैं जो कदीम बल्ख है। इस वक्त ये जिस जहाँ मैं हूँ ये सूबा बल्ख है, अफगानिस्तान का सूबा बल्ख है, लेकिन इस सूबे की का नाम जो है वो बल्ख सिटी के नाम पर रखा गया है। तो अभी यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला है बल्ख सिटी का। मेरे साथ अजमल भाई हैं और पीछे हैं आदल साहब। तो ये मेरे दोस्त मुझे लेके जा रहे हैं बल्ख सिटी। बल्ख सिटी जो है वो बहुत ही पुराना शहर है, बहुत कदीम शहर है। वहाँ पे जाए पैदाइश है हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की, वो जाए पैदाइश है अल्लामा हज़रत जलालुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की। और तकरीबन उस शहर की आबादी, हाँ उस शहर की आबादी 1,40,000 है। और हम वहाँ पे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का मज़ार है जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। ये जहाँ के एक मशहूर सूफी खातून हज़रत राबिया बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का, नहीं ये लड़की थी, हाँ हाँ बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, बुजुर्ग खातून हज़रत राबिया बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का। और वो आप शायरा भी थी फारसी ज़ुबान की, और यहाँ पे उनका मज़ार पे काफ़ी लोग दुआ कर रहे हैं। ये सा उनके मज़ार जो है वो इस बाग के अहाते में है। चारों तरफ बड़ा खूबसूरत बाग बना हुआ है और सामने वो हज़रत राबिया बल्खी का मज़ार। ये जो सामने आपको इमारत नज़र आ रही है ये कुछ हिस्सा है हज़रत लामा जलालुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के घर का। यही वो जगह थी जहाँ पे हज़रत लामा जलालुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई थी। अभी इसको गवर्नमेंट ने कवर कर दिया हुआ है तो इसके अभी थोड़े से आसार बाकी हैं। अभी अजमल भाई मुझे बता रहे हैं कि मौलाना जलालुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह को ना सिर्फ अफ़गानिस्तान वाले उनका एहतराम करते हैं और उनको अपना बुज़ुर्ग मानते हैं, बल्कि तुर्किश गवर्नमेंट और ईरान ईरानी भी उनके उनका बड़ा अदब और एहतराम करते हैं। तो मैंने तो इनसे यही कहा है कि बुज़ुर्ग और अल्लाह के वली जो हैं वो चाहे वो अफ़गानिस्तान में पैदा हों, अफ़गानिस्तान के हैं, चाहे वो मिस्र के हैं, तुर्की के हैं, ईरान के हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क हैं, मुल्क में मौलाना
जलालुद्दीन मोहम्मद बलखी, असल जगह वो इधर बल्ख है, उसका ज़ादगाह इधर है, लेकिन सब लोगों के वो सब दुनिया उसका जानता है कि वो बड़ा बुजुर्ग शख्सियत है, लेकिन वो हैरान बोला है कि मैं रहे, वो तुर्किश बोला कि मैं रहे, मिस्र बोला कि मैं रहे, लेकिन उधर से नहीं है, वो अफ़गानिस्तान की ज़ादगाह है, वो असल नसब इधर है, इधर उसका तवल्लुद है, फिर वो इधर से मुश्किलात आएगा, फिर वो ईरान जाना है, उधर तुर्किश जाना है, उनका अभी उसका मज़ार मज़ार किधर है? वो तुर्किश है, तुर्किया है। लेकिन लामा जलालुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जो है वो तुर्की में है, लेकिन जाए पैदाइश ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये बल्ख है और यही उनकी जाए पैदाइश है, और जिस जगह पे मैं ये जिस घर में मैं खड़ा हूँ ये इनकी जाए पैदाइश थी, ये इस घर में उनकी पैदाइश हुई और ये इलाका बल्ख है और बल्ख में उनकी पैदाइश हुई, तदफीन उनकी जो है वो मज़ार जो उनका है वो तुर्की में है, तो तुर्की वाले भी उनको ऑन करते हैं और अफ़गानिस्तान वाले भी कहते हैं कि ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, बारकैफ जो भी है, लेकिन बुज़ुर्ग हस्तियां जो हैं वो सारी दुनिया के लिए हैं, सारी दुनिया वो जानता है कि वो कितना शख्सियत है, उसका बुज़ुर्गी कितना है, और ये जो इसका एयरपोर्ट है मज़ार शरीफ का, उसका नाम भी एयरपोर्ट का नाम भी जलालुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर ही रखा गया है। नंबर इधर को, अभी हम जिस जगह आए हैं ये भी एक ज्यारतगाह है, हजरत खुशा वली आकाशा वली, तो ये उनका सामने उनका मज़ार है, साथ काफ़ी वसी बाग बना हुआ है जिस पे कि अभी मेरे दोस्त अजमल भाई बता रहे थे कि हम हर जुम्मे को इधर आते थे दोस्तों के साथ, और यहाँ आके खाना वाना भी यहीं पर आके पकाना और यहाँ बैठ के, अस्सलाम वालेकुम। यादल भाई ने मुझे मेरा तवज्जो दिलाई है कि ये देखे ये GFC फैन का पंखा यहाँ पड़ा हुआ है माशाल्लाह, और ये अभी जो बुजुर्ग बता रहे हैं कि ये हजरत अकाशा वली ये सहाबी रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे, ये अरबिस्तान से आए थे। अच्छा, हाँ जी जी, ये रबी बल्खी ये 40 लोग थे। अच्छा, 40 साबित थे। जो नबी अलैहिस्सलाम की जो मोहर था इसने देखा, ये 1000 साल पहले इधर आए थे, तो चापदूर की रागरी उस्मान गनी साहब के दौर भी ये आए 1000 साल पहले, और इनके मुतल्लक ये बता रहे हैं कि ये हजरत उस्मान गनी के दौर में इस इलाके में आए, और ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे हैं जिन्होंने मोहर नबूवर की जियारत की हुई। आमीन 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 साहब।
ये तो दरख्त है, ये बुजुर्ग हमें बता रहे हैं, ये तकरीबन 600 साल पुराना दरख्त है। ये बागीचा बना हुआ है जिसमें लोग आते हैं ज़ियारत के लिए भी और फैमिलीज के साथ पिकनिक के लिए। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया एक मजार तो वो इंडिया में भी है ना? वो ये भी बात ही बता रहे हैं। अच्छा, ये बेदरिशस की भाई है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो अभी जिस मजार पे हम पहुंचे हैं ये शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जो जिनका मजार इंडिया में है, ये उनके भाई हैं। ये बता रहे हैं कि 350 साल इस मज़ार को बने हुए हो चुके हैं, और ये जो तामीर है, ये गुंबद है, ये इसमें ये लकड़ी का इस्तेमाल भी किया गया है। और अफगान का जो ये खुद कुनर का था, वो बड़े ये सैयद जलालुद्दीन अफगान ये कुनर से आए थे यहाँ पे। ये उनकी आखिरी आरामगाह है। उनकी है। और ये अभी ये भाई हमें बता रहे हैं कि इस इलाके में 70,000 मुगल का कला हुआ है। अच्छा, मुगल का जो कला था, चंगेज खान, जहांगीर खान, अच्छा वो सामने जो जो बता रहे हैं कि ये सामने जो है वो चंगेज खान का किला है। वो सामने बल्ख शहर है। यहाँ कहते हैं चांदी है। अच्छा, हाँ लोग निकलते, अभी तालिबान का जो गवर्नमेंट आया वो नहीं छोड़ता है। अच्छा, बंद हो गई अभी। ज्वेलरी इसका जो जरगरी कहते हैं ज्वेलरी का माना है, गुंडी ज्वेलरी। मुसलमान या मुसलमान रोशनी ने रिवाज की जाएगा बगल में इसकी जन्नत का सितारा पैदा। हाँ अच्छा, मैं जो वस नहीं था वो जिसके पास वो पैसे बता रहे हैं कि ये जिस जगह ये हम खड़े हैं ये सामने जो टीले नजर आ रहे हैं इनमें चांदी है। तो गरीब गुरबा लोग जब कोई जरूरत पेश आती है तो इस मिट्टी को आके छानते हैं और यहाँ से उनको अपनी जरूरत के मुताबिक चांदी मिल जाती है। अच्छा, ये कहते हैं चंगेज खान ने इसको खत्म किया। चंगेज खान ने इसको खत्म किया पहले ज्वेलरी का काम कर रहा था यहाँ। अच्छा, यहाँ पे पहले चंगेज खान के दौर से पहले यहाँ पे सराफा बाजार था, यहाँ ज्वेलर्स बैठते थे और वो इधर चांदी और सोने का कारोबार करते थे और सोना तैयार करते और जेवरात तैयार करते थे। लेकिन चंगेज खान ने इसको 200 अमाम भी है बनाने की जगह पहले ये सारे इस टीले के अंदर है। इसको फिर चंगेज खान ने खत्म कर दिया।
वो सामने जो है वो चंगेज खान का किला है। आदम अलैहि सलाम, बाब आदम अलैहि सलाम का बेटा, बचेश बेटा, आदम करीबन। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कब्र है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। मेरे शहर गुजरात में भी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कब्र है। अच्छा, 50 सहीफे इन पे नाजल हो गए। रवड़ी रवड़ी तू लड़ती प्रीत आगे रवड़ी आगे कर दे। ये जिस जगह हम अभी दाखिल हुए हैं आप जो चारों तरफ देख रहे हैं कि फसीलें बनी हुई हैं, फसीलों के आसार नजर आ रहे हैं, ये चंगेज खान का किला था। इसके चारों तरफ फसील थी। अच्छा, वहाँ जो तख्त था उनकी, अच्छा मुगलों की, मुगलों मुगल बादशाह के खुनकार जो तख्त हुई था, जो सामने जो टीला नजर आ रहा है वहाँ पे चंगेज खान का तख्त हुआ करता था। और ये सारा जो इर्द गिर्द आपको नजर आ रहा है ये किले के आसार हैं। जामे जहांगनामा में गए यहाँ है। अच्छा, वो क्या है जामे बामी। ये सामने बल्ख शहर, पुराना बल्ख शहर के उसके आसार हैं। बुर्ज यारान, बुर्ज यारान, बुर्ज यारान, रसूलुल्लाह बरक यारान। सही आगा दे यारान बुर्ज तरा सदा का दे बल्ख दीवाल दा जगह दे बल्ख दीवाल दा शाह खरा ता सवाल दे बल्ख न दीवाल ता ओ ऊन बुर्ज यारान सो ऊन बुर्ज यारान बल्ख दीवाल कमरे जगह दा दा ता सवाल। अच्छा, ये जो दीवाल नजर आ रहे है पूछो, ये बल्ख शहर की फसील है। हाँ। पुराना बल्ख शहर जो है दीवाल शरीफ अलायदा था।
دغه دیوال ده وګړه د چنه شوه هغه دیوال خوشړي دیوال ده بدر افا شوه ده دغه دیوال ده انده ای ساری بلسی ایک دیوال ہے جیسا چین کی وہ سامنے نظر آ رہی ہے وہ دیوار پورے کا پورا بلخ شہر جو قدیم بلخ شہر تھا وہ اس فصیل کے اندر تھا یہ سارا قدیم بلخ نظر آ رہا ہے اور پیچھے جو ہے یہ چنگیز خان کا قلعہ ہے یہ بھی اندر آیا اچھا سیکو ہاں جی یہ جو ہے نا جس نے انا فرما سے سری سوے میں بدل تلا قتول پخشا بتے یہ جب یہ بنا رہا تھا یہ قلعہ اچھا جو لوگ تک جاتے تھے اس کو دفن کرتے تھے اچھا دیکھو وڈی دیکھو یہ سارے وہ لوگ تھے جو یہاں کام کیا اس قلعہ میں یہ دیکھو ہڈی دیکھو نظر آ رہا ہے یہ ابھی یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ چنگیز خان جب قلعے کی تعمیر کروا رہا تھا تو جو مزدور تھک جاتے تھے تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس قلعے کے اندر تو فصیل کے اندر ہی ان کو چنوا دیا جاتا تھا یہ سامنے آپ دیکھیں نظر آ رہی ہیں یہ ہڈیاں یہ اس کے اندر اگر یہ ہڈی کو چیک کر جائے کہ کتنے سال سے یہاں دفن ہے معلوم ہو جاتا ہے معلوم ہو جاتا ہے بالکل سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے اچھا ایک ہڈی نہیں دیں گے آپ کو وہ یہ بھی پتہ لگا لیں گے کہ یہ انسان کی ہے جانور کی ہے کس جانور 5000 سال پہلے یہ ہڈی دیں گے اور جا کے چیک کر دیں اچھا پھر ہمیں بھی بتا دیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے نہیں لگتا تو انسان کا ہے یہ سارے کا سارا پرانا بلخ شہر ہے اچھا وہ ذرا جو ہے نا ہاں جی بلخی ہو جا بولا تھے پارسا پارسا مارا مخبر کو بلاراس کو محمد اردو جہان رب ایک دعوا کس کی زیارت ہے وہ کس کی کیا زیارت ہے ہو جا پارسا والی فاجہ پارسا والی ماشاء اللہ چل بہت سر ہوئے ساتھ ہو گیا یہ سب سر کشی بیاری بیاری لاؤ اس کو حاجی صاحب کو دینا ہے بچے کے سر لگ جاتا دیکھو کپڑی ہے اچھا جی اس کو آپ کو دیں گے آپ اس کا ٹیسٹ کرا دینا دینے کرا گا چل دنیا میں اس کا کوئی ادھر ویلو نہیں ہے دنیا میں ہوگا ناڈو کا ابھی آج ان شاء اللہ تعالیٰ میں کابل کے لیے نکلوں گا اور یہ دوست ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کر رہا ہوں اور جو عام ناشتہ ہے یہاں پہ وہ یہی ہوتا ہے یہ تاجک روٹی ہے جو مزار شریف میں آلموسٹ ہر جگہ پہ ملتی ہے اور یہ کل کی روٹی میرے خیال میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ کل کی ہے لیکن یہ پھر بھی ابھی بھی جو ہے نا وہ کھانے کے قابل ہے بڑی مزے کی روٹی ہوتی ہے یہ ساتھ یہ شوربہ ہے اور اس کے ساتھ یہ قہوہ چائے ادھر اس کو چائے بولتے ہیں ہم اس کو پشاوری قہوہ بولتے ہیں لیکن یہ چائے کہتے ہیں اور یہاں 24 گھنٹے ہر وقت جب بھی آپ کہیں جاؤ گے آپ کو یہ چائے پیش کی جائے گی یہاں دودھ والی چائے نہیں ملتی
यहाँ पे ये वाली चाय मिलती है, ये साथ शोरबा है, और उन्होंने अभी ये रोटी तोड़ के शोरबे में डाली है, और इस तरह ये एक इंतहाई सिंपल नाश्ता है यहाँ का, जो ज़्यादातर लोग, अगर कुछ ज़्यादा बेहतर आप करना चाहते हो तो इसके साथ मलाई भी आ जाती रख लेते हैं लोग, और उसके साथ पनीर, पनीर ख़ास तौर पे जो है वो काफ़ी यहाँ खाई जाती है।